हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनमार्कबल फैशन। और आज के वीडियो में मैं डेमो दूंगी दो फीट का, कि उनके यूजेस क्या है और उनको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें पहला फुट है जो 5 और 7 होल कोडिंग फुट है, सेकंड है एजेस जॉइनिंग फुट। तो जो हमें किट मिला है उसमें दो तरीके के फीट मिले हैं कोडिंग, एक में 5 होल है, एक में 7 होल है। तो आप अपने कोडिंग बढ़ा सकते हैं, 5 से 7 कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे से होल दिए हुए हैं, एक में 5 है, एक में 7 है। ये इतने फाइन है कि अगर आप इसको खुद से डालना चाहेंगे तो ये नहीं डलेगा। तो इसके लिए आपको नीडल की ज़रूरत आपको इसमें थ्रेडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके हेल्प से ही ये इसमें जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से होल हैं और हम इसमें, ये कोडिंग है तो हम इसमें एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, पर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो उसका जो लुक आएगा बनने के बाद वो थोड़ा सा थिक रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो नॉर्मल जो थ्रेडर है उसको उन होल से नीचे से बाहर की तरफ लेके जाना है, और जितने होल हैं आप उतने कलर के थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। 5 है तो आप 5 डिफरेंट कलर के थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, आप 7, आप चाहे सेम कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा कलर यूज़ करना है, कैसा डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि ये थ्रेड का लुक बहुत अच्छा आएगा। तो नॉर्मल ही जैसे हम थ्रेड करते हैं बिल्कुल वैसे ही डालेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और आपको अपना थ्रेड उसमें डालना है और खींच लेना है। और इसमें मैंने 5 अलग अलग तरह का थ्रेड यूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो इसमें कोई लाइट शेड है, कोई डार्क शेड है, मैंने एकदम रेंडमली थ्रेड लिया है, बिल्कुल वैसे ही डालेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन्हें भी इस टाइप की वीडियोस की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ऐसे करके हम 5 अलग अलग तरह का थ्रेड डाल देंगे, 5 अलग अलग तरह का। अब हम इसमें नॉट बनाएंगे। जब हमने 4-5 अलग अलग थ्रेड डाल दिए तो हम ऊपर से सबको बराबर करेंगे ताकि कोई ऊपर नीचे से हो भी जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर थ्रेड क्यों वेस्ट करना है। तो ऊपर सबको बराबर खींच के हम एक नॉट बनाएंगे ताकि अगर हम गलती से नीचे से खींच जाए तो वो टूटे तो वो पूरा निकले नहीं तो हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले नॉट बनाया है। नॉट एकदम लाइट सा बना सकते हैं, जैसा मर्जी बना लीजिए, बस ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको निकालें तो ये मतलब बाहर ना आए। और इसके बाद जब हम इसे फुट को यूज़ करेंगे तो मेक श्योर कि सारे स्ट्रैंड्स जितने भी हैं थ्रेड के सब अलग अलग हों ताकि हर कलर प्रॉपर विजिबल हो। तो अब हम सेटिंग देख लेते हैं इसमें क्या सेटिंग लगेगा। नॉर्मल फीट वैसे ही लगेगा जैसे बाकी फीट्स लगते हैं, टेंशन। और हम यहाँ पे डबल थ्रेड वाला यूज़ करेंगे, SS में जाएंगे और जो भी स्टिच आपको चाहिए आप वो यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे डी पे जा रही हूँ। और टेंशन डायल हम यहाँ पे 2 रखेंगे, रेगुलर जितना होता है उससे एक नीचे कर दीजिए, 2 रखेंगे ना ही मतलब हमें एकदम लूज़ भी नहीं चाहिए, एकदम टाइट भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो पूरा खिंच जाएगा, तो एकदम एवरेज में। तो पहला, हर बार मैं कहती हूँ जब भी हम मशीन चलाएं तो हमेशा 2 से 3 स्टेप हमें हाथ से चलाना होता है ताकि एकदम झटका ना पड़े आपके स्विंग मशीन पे, और नहीं तो फैब्रिक भी ख़राब हो जाएगा, थ्रेड भी टूट जाते हैं एकदम झटके से अगर हम चलाते हैं कर ले। तो हमेशा 1-2 स्टेप हमें हाथ से चलाना है। उसके बाद आपको पूरे अपने सारे भी जितने भी एंकर थ्रेड्स हैं उनको सेपरेट करना है ताकि जब स्टिचेस आए उस पर तो एकदम बराबर आए, सारे थ्रेड अलग अलग दिखें, सबका कलर विजिबल होना चाहिए। नहीं तो अगर आप एकदम बस ऐसे रखा और चला दिया तो एक थ्रेड जो ऊपर के 3 थ्रेड है वो नीचे के दोनों थ्रेड को छुपा देंगे। तो सबको सेपरेट कर लेना, जितना करना है उतना, जो डिज़ाइन चाहिए आप बिल्कुल वैसे। इसको आप किसी कुर्ते या ब्लाउजेस या किसी भी ड्रेस के बॉर्डर पे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा दिखेगा, सीरियसली बहुत ही अच्छा और फाइन दिखता है। और अभी आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये
देखिए ये कितने प्यास से आ गया है, तो आप अपने नीडल का विथ भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना चौड़ाई रखना है। तो आप उसके देखिए एकदम बराबर में आया है। देख सेम कलर यूज़ करेंगे तो ये एकदम ही नहीं दिखेगा और ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। अब हम आ जाते हैं एजेस जॉइनिंग फुट पे। ये फीट अलग अलग फैब्रिक के एजेस को जॉइन करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपके पास एक फैब्रिक है छोटा पड़ गया या कुछ भी हो गया, आप दूसरा फैब्रिक लगाना चाहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल जॉइन कर दें एक डेकोरेटिव स्टिच के साथ। डिज़ाइन भी हो जाएगा, जॉइनिंग भी लग जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बिल्कुल जहाँ पे आपको लगाना है वो फैब्रिक हल्का सा फोल्ड करना है। इसका टेंशन डायल मैंने बता दें, नॉर्मल जितना होता है वही रखेंगे। डिज़ाइन आपको जो भी डेकोरेटिव स्टिच चाहिए आप वो यूज़ कर लीजिए। जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो आपको एक प्लेट दिख रहा होगा इन दोनों फीट के बीच में, उसको आपको सेंटर में रखना है अपने दोनों अलग अलग फैब्रिक के बीच में, ताकि एक लाइन बनी रहे और आप बराबर स्टिच कर सकें। जॉइनिंग फीट बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर आपके पास फैब्रिक की कमी हो गई है और आपको जॉइंट्स लगाने हैं और बिल्कुल विजिबल नहीं रखना, तब आप यूज़ कर सकते हैं। क्विल्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग फैब्रिक को जॉइन कर दीजिए। इसमें आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है नीचे साइड में, बस नॉर्मल। और स्टिचेस अगर आप जितनी छोटी रखेंगे, आपकी जो जॉइनिंग आएगी, जो दोनों जॉइंट होंगे वो उतने ही छोटे में होंगे और उतने ही अच्छे दिखेंगे। जितना बड़ा दिखेगा उतना ही ज़्यादा विजिबल होगा, जितना छोटा होगा उतना कम विजिबल होगा। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको उसकी लेंथ कितनी, विड्थ कितनी रखनी है, ज़्यादा बड़ा रखना है छोटा। तो मैंने एकदम छोटा रखा है। वही सेम स्टेप है, बिल्कुल चलाने से पहले 2-3 स्टेप बिल्कुल वैसे चलाना है हाथ से, उसके बाद ही मशीन का पैडल यूज़ करें। तो ये देखिए मैंने कितनी छोटी रखे और डेकोरेटिव स्टिच देखे, ये कितने फाइनली तरीके से दोनों साइड जुड़ गया है। और ये है जॉइनिंग फुट का काम। और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी 2 या 3 फीट का डेमो दूंगी, उनके यूजेस बताऊंगी। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।